नमस्कार, हार्दिक स्वागत है दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले सिनोप्टिक सिस्टम इनसेट 3DR की सैटेलाइट की इमेजरी में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें, ये देखिए पश्चिमी विक्षोभ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अब साथ ही साथ अब आप देखेंगे ज्यादातर जगहों में, भारतवर्ष के ज्यादातर जगहों में बादलों का समूह आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इसको कह सकते हैं हम चिन्हित कम दबाव का क्षेत्र, वेल मार्क लो एरिया पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास यहाँ पे दिख रहा है और क्लाउड की स्थिति यहाँ बनती हुई दिख रही है। आप देखेंगे यहाँ से अरब सागर से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये देखिए उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य, बंगाल की खाड़ी, ये पूरे जगहों में बादलों का एक विशाल समूह देखने को मिल रहा होगा। अब अगर आप देखेंगे वेल मार्क लो से ठीक बीच से मानसून ट्रफ की स्थिति गुजरती हुई दिख रही है। राजस्थान आप देखेंगे, मध्य प्रदेश वेल मार्क लो, हम चिन्हित कम दबाव का क्षेत्र कह रहे हैं, छत्तीसगढ़, और आप देखेंगे ये देखिए उड़ीसा और ये बंगाल की खाड़ी तक वेल मार्क लो, और साथ ही साथ एक बड़ी ट्रफ रेखा जिसको हम कह सकते हैं, कल भी बताया था आपको, ये देखिए अरब सागर से होते हुए बिल्कुल मानसून ट्रफ के बीच से एक तरह से इंटरेक्शन कर रही है, एक तरह से बातचीत करते हुए हम बोलेंगे उसको, वेल मार्क लो से बीच से गुजरती हुई ये देखिए, ये देखिए यहाँ से पूर्वोत्तर राज्य तक पहुंच रही है, और साथ ही साथ एक नॉर्थ साउथ ट्रफ रेखा पूर्वी राज्यों के पास ये देखिए यहाँ पर भी स्थित है। मुख्य रूप से अब जो होने वाले हैं, जो घटनाक्रम, जो मौसम की जो जो बदलाव देखने को मिलेंगे, वेल मार्क लो जो हम एक तरह से उस उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास जो स्थित है, अब साथ ही साथ एक मानसून ट्रफ के साथ और ये जो एक तरह से इंटरेक्शन हो रहा है 15 से 17 सितंबर के दौरान, अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक भारी वर्षा कह सकते हैं कि गतिविधि देखने को मिल सकती है 15 से 17 सितंबर के। जैसा कि हमने बताया वेल मार्क लो, अब इसकी जो स्थिति है ये अगले 24 घंटों के दौरान धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी की ओर बढ़ने की संभावना है। ये देखिए जैसा कि हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे 24 घंटों के दौरान ये अब उत्तर प्रदेश के एक तरह से दक्षिण भागों में, ये देखिए धीरे धीरे, और धीरे धीरे ये दक्षिण उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। अब इसके 15 से 17 सितंबर के दौरान पश्चिमी हवाओं के साथ साथ एक ट्रफ रेखाओं के साथ एक इंटरेक्शन होगी यहाँ पे, जैसा कि हम बता रहे हैं 15 और 17 सितंबर के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और इससे सटे मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधि में वृद्धि होगी, यही उसका मुख्य कारण, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सैटेलाइट की इमेजरी में। अब 16 सितंबर के दौरान क्या होने वाला, 16 सितंबर के आसपास एक जो कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है और वो दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन के रूप में बदल जाएगा। ये 16 सितंबर के आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एक तरह से कम दबाव का जो क्षेत्र है वो डिप्रेशन में बदलने की संभावना यहाँ पे इसकी देखी जा रही है। कुल मिला के देखा जाए तो मानसून की जो स्थिति होने वाली है, वर्षा की स्थिति, मानसूनल वर्षा की स्थिति अब यहाँ पे एक तरह से तेजी देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान जैसा कि हमने सटीक पूर्वानुमान किया था, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भारी से भारी वर्षा हुई है। साथ ही साथ बाकी जगहों की बात करें, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल जिसको उप हिमालयी पश्चिम बंगाल कहेंगे, गुजरात, विदर्भ, गोवा, नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में भी भारी वर्षा दर्ज हुई है। मध्य महाराष्ट्र की बात कर ले, नंदुरबार में 15 सेंटीमीटर, छत्तीसगढ़ की बात करें बलरामपुर में 12, जशपुर में 9, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में 12 सेंटीमीटर, बड़वानी, सीहोर में 11 सेंटीमीटर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हमने बात की, देखिए देवरिया में 12 सेंटीमीटर, बाराबंकी में 11 सेंटीमीटर, गुजरात की बात कर ले भरूच में 10 सेंटीमीटर, झारखंड में 10 सेंटीमीटर, ये सारे भारी वर्षा को ये इंगित कर रहे हैं। इस पूर्वी मध्य प्रदेश की बात कर ले दमोह में 9, उड़ीसा के जगत सिंहपुर में 8, विदर्भ में तरह से भंडारा में 7 सेंटीमीटर दर्ज हुई है। जैसा कि हमने बताया दो दो तीन तीन सिस्टम बने हुए पश्चिम, एक तरह से कम दबाव का क्षेत्र, चिन्हित कम दबाव का क्षेत्र जिसको हम कहेंगे वेल मार्क लो, मानसून ट्रफ और एक ट्रफ रेखा और पूर्वोत्तर पूर्वी राज्यों में ट्रफ। अब आप देखेंगे ये देखिए इस जगह पे होने से ऑरेंज अलर्ट है, उत्तराखंड में आज ऑरेंज अलर्ट है, साथ ही साथ उत्तराखंड में भारी वर्षा की स्थिति देखने को मिल सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के बाकी, ये देखिए यहाँ पे जो आप देख दिखा रहे हैं आपको ये ऑरेंज अलर्ट है, साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज ऑरेंज अलर्ट है, भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। 15 तारीख की स्थिति में तेजी देखने को मिलेगी, 16 तारीख को आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग अभी सम्मिलित है, 17 को भी सम्मिलित है, मतलब आने वाले 3 से 4 दिनों 15 से 17 तक हम कह सकते हैं भारी से भारी वर्षा की संभावना अब देखी जा रही है। उत्तर पश्चिम भारत के कई मैदानी इलाकों में भी बनती हुई दिख रही है। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक धन्यवाद।